आप देख सकते हो मेरे सामने खड़ी है अप्रिलिया 150 में गाइस ड्यूअल प्रोजेक्टर है, जिसमें आपको DRL देखने को मिल जाते हैं, HJG के ओरिजिनल फॉग लैंप DRL जलेंगे अलग अलग कलर के, आप देख सकते हो मल्टी कलर में इसके DRL, आप देख सकते हो इस तरीके से। सब लव यू पीपल, आई होप डूइंग एब्सोल्युटली फाइन गाइज। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त ले आपके लिए कौन टॉपिक, एक और नया वीडियो, नाउ वॉचिंग योर माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली गाइज मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक और नया वीडियो, एक और नया टॉपिक लेके। और आज की वीडियो में जो आपको दिखाने वाला हूँ, जिसके थोड़े सिनेमैटिक आपने वीडियो में देखे, बट आज की वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली है अप्रिलिया 150 की कुछ मॉडिफिकेशन पर। और इसमें जो मॉडिफिकेशन की है वो काफ़ी रेयर है। इसमें इंस्टॉल किया है हेडलाइट मल्टी कलर प्रोजेक्टर, जिसमें कि आपको लो बीम और हाई बीम, साथ ही में आपको मल्टी कलर के जो है DRL मिल जाते हैं। साथ ही में इंस्टॉल किया है इसमें HJG की ओरिजिनल मिनी ड्राइव, जिसे फॉग लैंप्स कहते हैं, जो कि दो कलर में चलती है, एक वाइट और एक येलो। सर्दी के समय में अगर आप इसको चलाते हो, यानी कि जो फॉग वगैरह आ जाता है, तो उस केस में फॉग को काटने का बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये छोटे छोटे फॉग लैंप्स काम करते हैं। छोटे हैं, इसका फोकस बहुत ज़्यादा, जो कि वीडियो में आगे मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही में इंस्टॉल करने वाले हैं इसमें ब्लिंकर्स, जो कि नंबर प्लेट के आसपास कहीं इंस्टॉल किए जाएंगे। और गाइस इसमें दो कलर आते हैं, एक रेड और एक ब्लू, इसमें इंस्टॉल किया है ब्लू। और इस तरीके की मॉडिफिकेशन अगर आप कराते हो तो 3 से 4-5 हज़ार रुपये के अंदर आप बढ़िया से बढ़िया मॉडिफिकेशन करा सकते हो। अदरवाइज़ मॉडिफिकेशन का कोई रेट ही नहीं है, अदरवाइज़ मॉडिफिकेशन का कोई प्राइस होता ही नहीं है, इसमें कोई हद नहीं है, कितने भी आप लगा सकते हो गाइज। बाकी सारी डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, चेकआउट कर लेना। और चलो कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और वीडियो लाता रहता हूँ। तो फाइनली गाइज आज जो मॉडिफिकेशन दिखाने वाला हूँ, आप देख सकते हो मेरे सामने खड़ी है अप्रिलिया 150, और इसमें जो मॉडिफिकेशन की गई है काफ़ी यूज़फुल है। और अगर फ्रंट से आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ, और इसमें गाइज ड्यूअल प्रोजेक्टर है, जिसमें आपको DRL देखने को मिल जाते हैं, प्लस हाई बीम और लो बीम का ऑप्शन मिल जाता है। और वहीं नीचे अगर आप आओगे तो आपको देखने को मिलेंगे HJG के ओरिजिनल फॉग लैम्प्स, ये आप देख सकते हो, और ये भी वाइट और येल्लो के साथ जलते हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मोबाइल होल्डर विद चार्जर। एक बार इसका इग्निशन ऑन करते हैं गाइज और फिर आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हो गाइस, ये है इसके प्रोजेक्टर जो मैंने आपको बताए थे। और इस प्रोजेक्टर को कंट्रोल करने के लिए इसके स्टॉक स्विच, अगर आप इसको हल्का सा लेफ्ट साइड में करते हो गाइस, तो आप देख सकते हो इसके अंदर DRL जलेंगे अलग अलग कलर के, आप देख सकते हो मल्टी कलर में इसके DRL, आप देख सकते हो इस तरीके से। और दूर से काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं ये, आप देख सकते हो गाइस। और वहीं अगर हम इस स्विच को हल्का सा इधर करते हैं तो इसकी जो है लाइट ऑन हो जाती है, जिसको वाइट वाली ये देख सकते हो। और काफ़ी यूनिक सा लुक है, और रात के समय में अगर आप इसको लेके निकलते हो तो फुल्ली प्रेजेंटेबल वाली स्कूटी बन जाती है। और यहाँ पर जो फॉग लैम्प इंस्टॉल किए थे उसका स्विच आप ये देख सकते हो, यानी कि 2-in-1 लाइट और 2-in-1 स्विच। अगर मैं इसका स्विच नीचे करता हूँ तो आपको येल्लो देखने को मिल जाती है, और अगर मैं इसका स्विच ऊपर करता हूँ तो वाइट। फोकस आप देख सकते हो गाइस इसका, जिस तरफ आप इसको टर्न करोगे उसी तरफ इसका फोकस जाएगा, और वाइट का फोकस थोड़ा दूर जाता है और येलो का फोकस थोड़ा पास आता है। अदरवाइज़ आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसके फोकस को एडजस्ट कर सकते हो, और कुछ इस तरीके से ये फ्रंट से लुक प्रोवाइड कराती है गाइस, ये देख सकते हो। और आजकल पता है गाइस आपको फोग का समय चल रहा है, सर्दियों में क्या होता है कि येलो लाइट जो होती है वो फोग को काटते हुए आर पार दिख जाती है, यानी कि अगर दूर से भी कितना भी कोहरा होगा तो जो येलो कलर का फोकस होता है वो साफ दिखता है, और येलो का यही मेन काम होता है। और ये येलो जो है ये सिंपल येलो नहीं है, लाइट येलो नहीं है, ये डार्क येलो है, ये देख सकते हो गाइस। और साथ ही इसमें इंस्टॉल किया गया है सीट कवर, जो कि इसका ओरिजिनल आता है, उसी हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है ब्लैक और रेड के साथ, क्योंकि ब्लैक और रेड का इसमें हल्का सा टच किया गया, उसी हिसाब से इसको मॉडिफिकेशन की गई है। अदरवाइज़ आप चाहो तो सीट का कोई और डिज़ाइन भी बनवा सकते हो, काफ़ी सारे कलर यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप बनवा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जिस कलर का आप चाहो, जैसे आप चाहो वो डिज़ाइन आप इंस्टॉल कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन की वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगी, जिसमें एनटॉर्क, वर्कमैन, एक्सेस, एक्टिवा, वर्कमैन और बहुत सारी स्कूटीज़ की वीडियो जो कि आजकल चल रही हैं, सबकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, तो एक बार वो भी चेकआउट कर लेना गाइस। और ये थी आपकी अप्रिलिया 150, और इसमें पीछे की साइड में अगर आप देखोगे तो आपको ब्लिंकर देखने को मिल जाते हैं, जो कि ब्लू कलर में लिए हैं, इसमें रेड भी आते हैं, और एक रेड और एक ब्लू वाला भी ऑप्शन आप करवा सकते हो, ये देख सकते हो। इसको आप ब्रेक पे भी करवा सकते हो, अदरवाइज इग्निशन पे भी अगर इस तरीके से आप इग्निशन ऑन करते हो तो वो भी काफ़ी यूनिक से लगते हैं, ये देख सकते हो गाइस। और पीछे की साइड में काफ़ी यूनिक सा लगता है, तो अगर आप इसको लेके निकलते भी हो सिटी में या हाईवेज़ वगैरह पे, तो फुल्ली प्रेजेंटेबल वाली आपकी स्कूटी बन जाती है, क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जब निकलती हैं, छोटी छोटी गाड़ियों में इतनी लाइट नहीं होती, इतना फोकस नहीं होता, इतनी रोशनी नहीं होती, तो उस केस में काफ़ी एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं। तो अगर इस तरीके की लाइट आप लगवा लेते हो तो काफ़ी यूज़फुल हो जाता है, काफ़ी सेफ्टी भी काम करते हैं गाइस। अगर अदरवाइज़ आप रेड भी लगा सकते हो, ये ब्लू है, ये आपकी चॉइस के हिसाब से है,
काफ़ी लोग बोलते हैं गाइस इस तरह की मॉडिफिकेशन छपरी है या बहुत सारे लोग बातें बनाते हैं, बट गाइस मैं आपको बता दूं, हर किसी की अपनी अपनी एक चॉइस होती है, उस हिसाब से अपनी बाइक को अपनी स्कूटी को मॉडिफाइड कराता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपको पसंद है वो सामने वालों को पसंद हो, बट अगर जिस तरीके की बंदे की यूज़ होता है उस हिसाब से बंदा मॉडिफिकेशन कराता है गाइस। और ये जिनकी स्कूटी है उन्होंने अपने हिसाब से उसको मॉडिफाइड कराया है। अप्रिले की मॉडिफिकेशन आई होप अच्छी लगी होगी। और ये हैं अप्रिले के ऑनर और इनसे हम करते हैं बात। सर आपका नाम? मेरा नाम मानव है। मैं SKD वाइड बाइक वर्ल्ड के थ्रू आया हूँ यहाँ पे। मुझे इनका काम बहुत अच्छा लगा। मैं सबको सजेस्ट करता हूँ यहीं आए, इनका काम देखें, फिर बाकी जगह चेक करें। पर और को आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जब इनका आप काम देख लें। मतलब आप सेटिस्फाई हो काम से? मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। बल्कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, कब आए थे लास्ट टाइम? मुझे मैं 1 बजे से आया हुआ हूँ, कम से कम 3-4 घंटे 5 घंटे लगे, लेकिन यह कि काम बढ़िया हो गया। काम बढ़िया हुआ, फुली सेटिस्फाइड हूँ। अगर कोई आना चाहे तो आप क्या कहना चाहोगे उसको? मैं कहा सबसे पहले इनका काम देखिए, फिर इनसे प्राइसिंग करिए। तो गाइस ये थे इसके ऑनर और इनका रिव्यू मैंने आपको दिया, ये जेन्युइनली है गाइस। अगर आप आना चाहते हो तो भाई मैंने डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, चेकआउट कर लेना गाइस। मैं आपसे लेता हूँ विदा, मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।